स्वागत है आप सबका टेबल टॉपर क्लैश के अंदर। ये फोर्ट ट्रॉफी का मैच है और दोनों टीम्स पॉइंट्स टेबल के ऊपर सबसे टॉप पे है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है फोर्ट ट्रॉफी के अंदर दोनों टीम्स ने, बहुत अच्छे प्लेयर्स इनके पास। तो देखते हैं इस मैच के अंदर क्या होता है। ये मैच होगा हेगली और क्राइस्टचर्च के ऊपर, जो वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेप्यूटेटेड ग्राउंड है न्यूजीलैंड के अंदर। पिच पे हल्की सी ग्रास होती है, रन्स बनते हैं। इस मनी के ऊपर दो फोर्ट ट्रॉफी के मैचेस हुए थे लास्ट ईयर के अंदर, या डेट्स बताऊँ आपको मैं, एक तो 25 नवंबर को मैच हुआ था, एक हुआ था 3 दिसंबर को, ठीक है। उनमें कैसा स्कोरिंग पैटर्न रहा था वो देखो आप, 220 बना, ठीक है, जो दो मैचेस उनकी बात कर रहा हूँ मैं, 220 बना बैटिंग फर्स्ट। फिर जो टीम चेस करने आई थी उसने 157 बनाया, वो तो उनसे भी खतरनाक टीम निकली। ये मैच था कैंटरबरी का अगेंस्ट विलिंगटन, जिसमें विलिंगटन 157 रन पे सिमट गई थी। फिर 3 दिसंबर की बात करते हैं, 3 दिसंबर को यहाँ पे मैच था कैंटरबरी और ऑकलैंड का, जिसके अंदर होम टीम कैंटरबरी ने 250 बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे। और फिर ऑकलैंड चेस करने आती है, 251 बना जाती है 5 विकेट के नुकसान पे, और एक ओवर शेष रहते हैं 49th ओवर के अंदर उन्होंने मैच को चेस कर लिया। तो ये जो ट्रैक है ना, थोड़ा सा बॉलर्स की तरफ बायस गया है हल्का सा, और ऑलराउंडर्स की तरफ, बैटर्स को थोड़ी कम वैल्यू मिली है जो पिछले दो मैचेस यहाँ पर हमने फोर्ट ट्रॉफी के देखे थे। तो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और स्क्वाड देखिए टीम का, सबसे पहले स्क्वाड के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं स्क्वाड जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो स्क्वाड है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का, अगर टीम को इज्जत देते हैं मेहमानों को सबसे पहले, तो इस टीम में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। जो वॉकर है बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर है, इनको लीजेंड मानते हैं, इन्होंने लिखा भी द गोट इज बैक, जो वॉकर फर्स्ट अपीयरेंस इन द 2024 स्क्वाड। और एक अंडर 19 के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, इनका नाम है एवल्ट करके, जो अंडर 19 के 4 गेम्स में 9 विकेट निकाल के आया, उसको उन्होंने स्क्वाड में बुलाया, और वो पोटेंशियल डेब्यूटेंट रह सकता है इस गेम में, और हाई चांसेस से शायद डेब्यू भी कर ले, क्योंकि इस टीम को एक विकेट टेकर की जरूरत है नई गेंद से, अलोंग विद क्रिस्टन क्लार्क, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी टीम का स्क्वाड देखने चलते हैं फटाफट। तो आप देखो इनका जो स्क्वाड है, इसके अंदर विलियम रॉक आपको मैंने पहले भी कहा था सेकंड टेस्ट के लिए पिक किया गया है, जब मैंने टेस्ट का वीडियो शूट किया था तो वो बाहर गया, और सीन डेवी को स्क्वाड में बुलाया, जो शॉन डेवी गेलो या सीन गेलो आपकी मर्जी है, तो शॉन डेवी को यहाँ पे स्क्वाड में बुलाया गया। ये भी अच्छा बॉलर है, नई गेंद से सीम के ऊपर बॉलिंग करना उसको पसंद है। और ये जो मैच है ना डे नाइट मैच है, ये भी आपको ध्यान देना है, ये मैच भारत के अंदर सुबह के 6:30 बजे स्टार्ट होगा, आप खुद देखो टाइमिंग, ये डे नाइट मैच है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत कम डे नाइट मैचेस होते हैं फोर्ट ट्रॉफी के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, ठीक है। ये मैच वहाँ पर 2 बजे के आसपास स्टार्ट होगा। अगर आपको टाइमिंग जाननी है इस मैच की, क्योंकि भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में बॉल अंडर द लाइट्स स्किड करके आई बैट के ऊपर अच्छी गति से, ये देखो टाइमिंग वहाँ पर लोकल ग्राउंड है, लोकल ग्राउंड टाइमिंग 2 बजे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब प्लेयर के स्टैट्स देख ले एक बार, फिर मैं आपको टीम दिखा दूंगा टीम किस तरह से बनानी है इस मैच के अंदर। पहले एक बार स्टैट्स देख लेते हैं प्लेयर के कुछ, जो आपको हेल्प कर जाए। तो मैं आपको इस सीज़न के अंदर देखो क्या क्या हुआ हुआ देखो, मैं क्यों कह रहा था टॉप ऑफ द टेबल क्लैश है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने इस टूर्नामेंट के अंदर 7 मैच खेले हैं, 4 जीती है, कैंटरबरी 7 में से 3 मैच जीती है, दोनों पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है। दैट्स व्हाई इट्स अ टॉप क्लास गेम एट अ टॉप क्लास वेन्यू एट अ टॉप क्लास टाइमिंग 6:30, और सारे मैचेस 3 बजे स्टार्ट होता है रात को। तो अब देखो पहले देखते हैं कैंटरबरी को, होम टीम को यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं पहले। मिचे 250 लगा चुका है 6 मैचेस के अंदर, 222 रन है। चैड वो उसका 6 मैचेस में 199 रन है। माइकल रिपॉन बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देता है, 6 मैचेस खेला, 5 इनिंग्स में बैटिंग आई है, 177 रन है। कॉल मिकॉन्ची का बड़ा शान टूर्नामेंट गया है, ये ऊपर बैटिंग करते हैं आपको मिकॉन्ची रिपॉन से, तो भी भाई के 5 इनिंग्स में 109 रन है। मैट बॉयले अंगस मैकेंजी बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, 5 इनिंग्स में 94 रन है। लियो गार्टर का 2 मैचेस में 93 रन है, एक में 80 बनाया एक में 13 बनाया था इसने, 2 मैचेस की बात कर रहा हूँ मैं। हैंडर निगल्स 2 मैचेस में 70 रन है। डेवन जैकब्स हिटर ऑफ द बॉल 5 इनिंग्स में 66 रन। फ्लॉक्स ये तगड़ा प्लेयर है भाई साहब, मेरे समझ के बाहर था। विलियम रॉक को उन्होंने किस बेसिस पे स्क्वाड पे बुलाया, जॉक फ्लॉक्स डिजर्व करता था, जो बॉल को अंदर भी लाता है और बाहर भी लेके जाता है। विलियम रॉक इज अ सेकेंड वर्जन ऑफ ब्लाड टिकनर, सीरियसली मैं कहूँ तो। माइकल रे विलियम रॉक, अब देखते हैं इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट। मेरे कोई प्लेयर से लगाव नहीं है, बट मैं आपको वैसे एक सजेशन दूंगा, जो प्लेयर फॉर्म में अभी उसको प्रीफर करो। वैसे इसने भी अच्छी बॉलिंग करी ऐसा नहीं है। विलियम रॉक 6 मैचेस के अंदर 13 विकेटे हैं। जैक फ्लॉस का 6 मैचेस में 9 विकेट है। रिपॉन 6 मैचेस में 7 विकेट। मैकॉन्ची का 6 मैच में 5 विकेट है। एंगस मैकेंजी का 6 इनिंग्स में 4 विकेट है।
और माइकल रे 2 में 3 विकेट्स है। ये आपको ध्यान रखना है, एडिन टनल का 2 मैच पर 2 विकेट है। दूसरी टीम को भी देख लिया, फिर मैं आपको स्टैट्स के बाद सीधा टीम दिखा दूंगा, आपको भी दिक्कत नहीं है, मैं टीम क्रिएशन की तरफ चले जाऊंगा। तो देखते हैं हम दूसरी टीम को, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, इनकी तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर है ब्रेट हैम्पटन, जो नंबर 7 नंबर 6 पे बैटिंग करने आता है। वो भाई साहब इस टीम का लीडिंग रन स्कोरर है। इसके 7 मैचेस में 321 रन है। रिसेंटली इसने 126 रन की मैच विनिंग नॉक खेली थी, विकेट्स भी निकाले थे। जो कार्टर का 6 इनिंग्स में 286 रन है। ये दो प्लेयर्स है ना भाई साहब कमाल के क्रिकेटर्स है। जो कार्टर भी बहुत अच्छी बैटिंग करता है, 1 डाउन 2 डाउन आता है वो। हेनरिक कॉपर 6 इनिंग्स में 203 रन है। टिम शेफर्ड का 6 इनिंग्स में 196 रन है, बहुत शानदार है। जीतर अवल का 6 इनिंग्स के अंदर 149 रन है। क्रेस्टन क्लार्क नहीं, कटनी क्लार्क है, केडी मतलब कटनी क्लार्क, ये ओपन करता है, 6 इनिंग्स में 136 रन है। प्रिंगल थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, 5 मैचेस में 66 रन है। इनिंग्स में 7 मैच खेला, 5 इनिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, बैटिंग आई है इसकी 5 बार 7 मैच खेल के। पीटर ड्रेसल 2 इनिंग्स में 30 रन और 2 कोई खास प्रदर्शन आया नहीं। बॉलिंग डिपार्टमेंट देखे, जो वाकर जो नया प्लेयर आया उसके भी स्टैट्स में आपको बताऊंगा। जो वाकर ने 5 मैच खेले थे फॉर ट्रॉफी के अंदर, 4 इनिंग्स में बॉलिंग कराई थी, 37 ओवर का स्पेल था, भाई को मिले थे 5 विकेट। क्रिस्टन क्लार्क वन ऑफ द माई फेवरेट बॉलर में आई है, 6 इनिंग्स में 16 विकेट है, भाई गजब का बॉलर है। फिशर का 6 इनिंग्स में 9 विकेट है, ये भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है फिलहाल, डेथ ओवर में मिडिल फेस में विकेट निकालता है। प्रिंगल 6 इनिंग्स में 8 विकेट है। स्कॉट टुगलाइन 4 मैच 6 विकेट है, तो अपने वहां पे थे, आई एल टी ट्वेंटी खेलने में लग रहे थे, मैंने देखा था उसको भाई को खेलते हुए, शायद स्क्वाड में उसका नाम नहीं होगा मोस्टली जितना मुझे लग रहा है। आपके लिए एक बार मैं कंफर्म भी कर देता हूँ, वरना भाई आप मेरे पे चढ़ जाओगे, भाई आपने ये बोला वो बोला, ये नहीं है देखो स्क्वाड के अंदर, स्कॉट कुकलाइन। तो भाई बोल कौन रहा था स्क्वाड में, खुद ही तो बोल रहा था महाराज। ब्रेट हैम्पटन 7 मैचेस में 5 विकेट है। ड्रेसल का 2 इनिंग्स में 1 विकेट है। अब टीम्स की तरफ चलते हैं, तो ये देखें आप 6.5 लाख की इन्होंने ग्रैंड लीग लगी है भाई साहब, पहला रैंक आना चाहिए 35,000 रुपये। मोस्टली मैं जो ये वाली लीग खेलता हूँ यार, मेरा तो हमेशा से स्टार्टिंग से आ रहा है, क्योंकि मैं एक टीम बनाने पे फोकस करता हूँ। अगर मैं 5-6 टीम बनाने गया ग्रैंड लीग की, तो वो मतलब ऐसा कचरा जैसा हो जाता है पूरा, इसलिए बेटर मैं एक टीम पर फोकस करूँ, इसलिए मैं ग्रैंड लीग बहुत कम खेलता हूँ। मेरा हमेशा से लॉजिक वही रहा है, कीपिंग में चलता है। आप खेले यार, जो ग्रैंड लीग खेल रहा है भाई, वो डिमोटिवेट मत होइए, ग्रैंड लीग बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद खेलता आया हूँ पहले 4-5 साल पहले। टिम शेफर्ड अच्छे क्रिकेटर है, मिचे उनसे बहुत बेटर प्लेयर बन के उभरे हैं। बैटिंग ऑर्डर देखें तो 1 डाउन आता है मिचे, चलो आपको बैटिंग ऑर्डर भी दिखा देता हूँ मैं, बैटिंग ऑर्डर कैसे देखना है, रिजल्ट्स पे चलते हैं। कैंटबरी का बैटिंग ऑर्डर देखते हैं सबसे पहले, हेनरी निकल्स चैट मोस ओपन करते हैं, दिख रहा होगा तो आपको, तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है, हेनरी निकल्स लेफ्टी है, मिचे राइटी बल्लेबाज, लियो कार्टर लेफ्टी बल्लेबाज है, कॉल में कौनची राइटी बल्लेबाज ऑफ स्पिनर, रिपॉन राइटी बैटर, लेफ्ट आर्म चेनेमन, बेवन जेकब्स राइटी बल्लेबाज, पावरफुल हिटर ऑफ द बॉल, जैक फ्लॉक्स राइटी बैटर राइट आर्म फास्ट, अंगस मैकेंजी लेफ्टी बैटर और राइट आर्म मीडियम फास्ट है, विलियम रॉक मौजूद नहीं है इस मैच में, वीडियो वगैरह भी है क्या, प्ले हो जाएगा भाई, चलते हैं आगे की तरफ। महाराज कैंसिल हो जा, मरवाए और ना कॉपीराइट लगवा के, आगे चलते हैं आगे की तरफ। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का बैटिंग ऑर्डर देखते हैं, रोल भी बता दे रहा हूँ आपको लगे आप, क्योंकि मेरे को सारे रोल्स याद होते हैं, 5-6 साल से टूर्नामेंट में कवर कर रहा हूँ ये। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कटनी क्लार्क ओपन करता है वो टीम शेफर्ड के साथ, दोनों राइटी, हेनरी कॉपर 1 डाउन आ रहा है, इसको पिछले मैच में 1 डाउन भेजा, 121 रन की पारी आई थी इसकी, जीत रवल 2 डाउन, जो कार्टर इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहता है ना, जो कार्टर पहले 1 डाउन आ रहा था, अब इसको नंबर 5 पे ढकेल दिया, नहीं जो कार्टर पहले 2 डाउन आ रहा था, जीत रवल नीचे आ रहा था, ठीक है, वो लेग स्पिन को काउंटर करने के लिए इन्होंने, पीटर इंगसबेंड को काउंटर करने के लिए इन्होंने जीत रवल को भेजा था, जो मेरा मानना है पिछले मैच में वही टैक्टिक यूज़ किया हुआ इन्होंने, क्योंकि इतने सारे राइटी बैटर्स थे टॉप ऑर्डर में, तो जीत रवल ऊपर आए थे, वरना जीत रवल हमेशा याद रखिए बैटिंग ऑर्डर इनका नंबर 5 पे होता है, जो कार्टर का नंबर 4 पे होता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी आप खुद देख सकते हो बैटिंग ऑर्डर, टिम शेफर्ड, क्रिस्टन क्लार्क, हेनरी कॉपर, उसके बाद आता है जो कार्टर, जो कार्टर 2 डाउन खेलता है, बट पिछले मैच में टैक्टिकल रीजन की वजह से भेजा गया था उस भाई को। तो ये देखो फिर हैम्पटन, पीटर ड्रेसल, क्रिस्टन क्लार्क, टिम प्रिंगल, इस तरह से बैटिंग ऑर्डर रहता है। टिम प्रिंगल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, और फिशर फास्ट बॉलर, स्कॉट जॉनसन राइट एंड मीडियम फास्ट बॉलर है, क्रिस्टन क्लार्क राइट एंड मीडियम फास्ट, पीटर ड्रेसल राइट ही बैटर ऑफ स्पिनर है,
हैम्पटन राइटी बैटर, जो कॉटर राइटी, जीत रमन लेफ्टी और सारे राइटी बल्लेबाज इस टीम में। अब देखो टिम शेफर्ड अच्छे प्लेयर है, बट आप ये देखो नई गेंद से कौन बॉलिंग करेगा, नई गेंद से सामने से आपको दिखेगा कौन दिखेगा इस मैच में भाई साहब। एडी निटल भी आ सकता है आने में तो नई गेंद लेके, और कौन होगा जो नई गेंद लेगा इनके लिए स्कोर वाइज, जैक फ्लॉक्स जो अलग फॉर्म में बंदा अपना है। सीएनडीवी भी ले सकता है नई गेंद, बट मेरे को लग रहा है एडी निटल को प्रीफर किया जाना चाहिए नई गेंद से। जिस तरह का बॉलर है, लेफ्ट आर्म पेसर है, बॉल को अंदर लाता है गिर गया राइट की बैटर से, और जैक फ्लॉक्स अंदर बार दोनों लाता है, तो दोनों नई गेंद पकड़ सकते हैं और थ्रेटफुल हो सकते हैं फॉर द टिम शेफर्ड। जी हाँ, जिस तरह का फॉर्म रहा है टिम शेफर्ड का, वो इतना खास नहीं रहा, कीपिंग से जरूर पॉइंट दिए जाते हैं तो आप ड्रॉप भी नहीं कर सकते। मिच एक क्लास बैटर है, अच्छे फॉर्म में चल रहा है लड़का, और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का बॉलिंग अटैक थोड़ा सा वीक हुआ है क्योंकि इनके पास कोगलाइन नहीं है फिलहाल। टिम साउदी तो कहीं से आएंगे यार, आ ही नहीं सकते, नेशनल ड्यूटी पे है वो। हैन निकल्स महत्वपूर्ण, जीत रवाल को आप चाहे तो रोटेट कर सकते हैं। नॉट ए बिग फैन राइट नाउ जिस तरह से खेल रहे हैं। जो कार्टर भाई तगड़ा क्रिकेटर है, बहुत अच्छी वैल्यू देके जाता है ये। चैड बोस दमदार खिलाड़ी है ये, अच्छे पॉइंट दिए इसने। रिसेंट फॉर्म्स का बीच में बहुत ज़्यादा डिप हो गया था, स्पेशली सुपर स्मैश कप में, बट फॉर्म इसने पकड़ा था। हैनरी कॉपर वन डाउन आपको खेलता हुआ दिख सकता है, कोई सामने लेफ्टी बैटर वो देखो एक बार कैंटबरी में, लियो गार्टर है, हैनरी निकल्स हैं, दो ही लेफ्टी हैं। अगर वो दोनों साथ में खेलते हैं ठीक है, साथ के अंदर नॉन स्ट्राइक पे रहता है, तो हैनरी कॉपर बॉलिंग करने आ सकता है जो वॉकर के साथ कॉम्बिनेशन में। लियो कार्टर रोटेट कर सकते हो। फिलहाल मैं मस्ट पिक वाले प्लेयर्स को लूँगा जो मेरे को सबसे मस्ट पिक लगे हैं। यहाँ से ले लीजिए आप माइकल ड्यूपॉन, मैकेंजी को भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते जिस तरह का प्लेयर है। एंगस मैकेंजी को लास्ट मिनट पर रोटेट करेंगे, डेथ में डालने आ जाता है ये, बट इसके और प्लेयर्स खा जाते हैं, बहुत बार देखा गया। फ्लॉक्स इंपॉर्टेंट है, कैचन क्लार्क इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीन शॉन डेवी को आप रोटेट कर लेना, बहुत अच्छा बॉलर रहा ये। यहाँ से किसको लें भाई साहब, किसको लें, तो हैम्पटन गजब का क्रिकेटर है, इसको पता नहीं किस बेसिस पे बॉलिंग सेक्शन में डाला है ये भाई साहब, बेटर ऑलराउंडर है ब्रेंट हैम्पटन। फिशर रोटेट कर सकते हैं इसको, अच्छी बॉलिंग कर लेता है ये भी कभी कभार। विलियम रॉक मौजूद नहीं है, टिम प्रिंगल बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है, तो मेरी टीम तो यही बन गई पूरी, ये बन चुकी है पूरी टीम, जिसमें मैं चैड बोस को छोड़ सकता हूँ सीरियसली कहूँ तो मैं, क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी मेरे को मिली नहीं। इसके बल्ले शायद तो एंगस मैकेंजी ले लूँ, या फिर यहाँ से मैं ले सकता हूँ एडी निटल को, जो इस मैच में शायद डेथर में बॉलिंग कर सकता है, क्योंकि इस मैच में विलियम और रॉक नहीं है, उनके एक ओवर कभी कभार डेथ में करा दिए जाते थे बॉलिंग फर्स्ट के अंदर, तो ये टीम बनी। एंगस मैकेंजी को ले लेते हैं, कैप्टन में कर देता हूँ रिपॉन को, वाइस कैप्टन जैक फ्लॉक्स है, तो क्रिस्टन क्लार्क, दोनों में से किसी एक को कर दो आप जो आपका दिल कह रहा हो। क्रिस्टन क्लार्क के सामने नई गेंद से कौन बैटिंग करेगा वो देखो आप, कैनडेबी की तरफ से चैड बोस, हैनरी निकल्स, भाई दोनों बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं, तो शायद क्रिस्टन जो क्लार्क है थोड़े कम इफेक्टिव हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, बट मैं कर देता हूँ, अच्छे प्लेयर हैं वो बहुत। तो टीम मेरी ये बनी है, ग्रैंड लीग के लिए रोटेट करना है किसी को तो यहाँ से रोटेट करिए, जीत रवाल को भी कर सकते हैं आप, हैनरी कॉपर एक ग्रैंड लीग का पिक प्योर बन जाता है, लियो कार्टर भी बहुत तगड़ा प्लेयर है जिसको आप रोटेट करिए, क्रिस्टन क्लार्क को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं तो सारे प्लेयर्स कवर ही है, यहाँ से अपना मैट फिशर एडी निटल है, ये चार से पांच प्लेयर्स हैं जिनको आप रोटेट कर सकते हैं। देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी, मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, चेसिंग टीम को हल्का सा एडवांटेज मिल सकता है। अंडर द लाइट्स, सी सून एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्लैश। मिलता हूँ आपको सुबह 6 बजे, अलार्म सेट कर लेना जो लेट उठते हो भाई, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लाइनअप्स के बाद कोई भी जो अपडेट आएगी वहीं पर आएगी, 6 बजे के आसपास टॉस होता है, अपडेट्स वहाँ पे मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पे लिंक नीचे दिया हुआ है।